श्रीमती जी ना डरती भी नहीं है, देखो ये नहीं डरती, मेरे को भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेगी मेरे को। हेलो नमस्ते पहलाक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज दिन की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है, ऑलमोस्ट अब तो दिन ख़त्म होने का, मेरा ब्लॉगिंग का एंड का टाइम हो गया है, तो आज उस समय से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो अभी मैं दुकान में ही हूँ, तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा घर को। और बाहर 3 दिन से बारिश लग रही है, तो अभी भी चली रही है, अभी भी आ ही रही है बारिश है। तो 3 दिन से बारिश लग रही है, तो इसके वजह से हमारे वहाँ पे लाइट नहीं थी गांव में। 1 तारीख को गई, आज 3 तारीख हो गए हैं, तो 3 तारीख को आ रही है। तो अभी तो फ़ोन भी चार्ज कर लिया है और अब ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अब स्टार्ट की है मैंने। तो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं घर को, और उसके लिए सॉरी दोस्तों, कल आज वीडियो नहीं आ पाई, तो वो वीडियो मैं कल डालूंगा और ये वीडियो परसों डालूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल चलता हूँ घर को और खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद कल सुबह आपको बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आज दिन की शुरुआत जो है वो 6 बजे से हो रही है, अभी अंधेरा ही है, पूरा अंधेरा, अभी उठ गए हो। और सुबह सुबह क्या काम होता है वो दिखाते हैं। पहाड़ों में सुबह सुबह होता है सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाना किचन का। हमारा रॉकी भी सुबह में उठ जाता है, यहाँ पे पहले झाड़ू वाड़ लगाते हैं, आग जलाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे गाय का दूध निकालने के लिए। और ठंड भी बढ़ी रही है और आज मौसम ना हल्का हल्का ठीक लग रहा है। और एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पहाड़ों में और नीचे शहरों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। सुबह के टाइम में पहाड़ों में ऐसे उजाला होते हुए दिखता है और नीचे नहीं दिख पाता है, ऊपर से डांडा खाना जो ऊपर है ना, ये डांडे सब दिखते लगते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ऊपर। अभी ना मम्मी भी उठ गई है, हाथ मुँह धो के लाए हैं और मुंह पे अभी पानी है और आग से ही करने में लगे हैं, क्योंकि ठंड हो रही ना, तो कोई भी आता है आजकल वो आग ही भिरोड़ता है, मतलब आग ही भिरोड़ता। तो अभी जा रहे हैं गाय का दूध निकालने के लिए, और ये है चोकड़ जो गाय के दूध निकालने के बाद खिलाएंगे। श्रीमती जी आगे से जा रहे हैं, ये अंधेरे में अभी भी उजाला नहीं हुआ है। और आज सुबह मॉर्निंग में क्या क्या एक्टिविटी होती है गांव में वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ श्रीमती जी अभी पड़ेगी थी घो, और यहाँ जनाब लोग सोए हैं, ये है मन्नू, गोबर गोबर कर रखा है नीचे में, ये पूरा गोबर। तो दोस्तों ये है हमारी मन्नू, अब हम इसका दूध निकालें और इसको भी खाने की हो रही, चोकर नहीं मिल रहा ना इसको, अभी चोकर चाहिए इसको अभी, तो दूध निकालेंगे फिर इसको चोकर भी देंगे और घास भी देंगे। अभी फिलहाल हम इसका दूध निकालते हैं, पहले बकरी खोलते हैं, छोटी बकरी है, छोटी बकरी है ना इधर, इसको निकाल रही है अपनी मम्मी का दूध पिएगी, ये गई सीधे अपने मम्मी के दूध पीने के लिए। दो बदमाशी इधर कर रहे हैं, ये यहाँ बदमाशी हो रही इनकी है, और सिर में तेजी लगी दूध निकालने में। पानी से इसके थन साफ करेंगे ये, मनु एक पैर से नहीं ऐसी करती है, पता नहीं इसको आदत है बचपन से, एक पैर मार दी उल्टे पैर से करती है, नीचे वाले पैर से कुछ नहीं करती, ऊपर वाले पैर से करती है। इसके थन साफ करेंगे पहले, क्योंकि गोबर ओबर लग जाता है, भूरी मिट्टी सब। मनो श्रीमती जी ना डरती भी नहीं है, देखो ये नहीं डरती, मेरे को भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेगी मेरे को। से निकालते हैं गांव में दूध गाय का, और हमारी गाय अच्छी है वैसे, उसको खाना भी नहीं देते ना, वो एक की जगह रुकती है आराम से अपना। और एक ये है, अब ये भी ब्याएगी, अब थोर होगी फिर खोर खाएगी ये। और ये बकरी के बच्चे इतना आतंकवादी है ना, वो वहाँ चढ़ गया, वो उधर चढ़ गया, चढ़ते रहता है, एक इधर एक आतंकवादी इधर। जहाँ जानवर रहते हैं उस गोठ में ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है,
मतलब गर्मी सही होती है, ठीक ठाक होती है, यहाँ कम्बल वम्बल भी जरूरत नहीं है, आराम से सो सकते हो आप। पहले से ना जब अलग होते थे तो पराल बिछाते थे और गाय के गोट में ही सोते थे हमारी मम्मी लोग। तो अभी निकाल दिया है दूध यहाँ पे श्रीमती जी ने, अब इसको देंगे चोकड़ बाहर से ला के। ये है इसका खाने का, ये रहा चोकड़, और इसमें गोभी के पत्ते और चोकड़ मिक्स करके दे रहे हैं। अब दूध दे दिया है, अब इसकी बारी है खाने की। अब यहाँ पे सब साफ करेंगे, ये गोबर ओबर भी जो ये नीचे का रखा है ना, इसको भी साफ करेंगे। सुबह में इतना काम होता है गाँव में। और इसको भी दूध पिला दिया है बकरी के बच्चे को, और दो आतंकवादी तो यहाँ पे ऐसे लगे हैं ये एक एक के ऊपर चलने में। आज ना दोस्तों टॉप में यहाँ पे बर्फबारी हुई है, और क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं सुबह सुबह पहाड़ों के। यहाँ पे बर्फबारी, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, और नीचे को नहीं पड़ी क्योंकि अब हल्की सी गर्मी भी होने लगी है ना, तो नीचे को नहीं आई बर्फ, ऊपर ऊपर पड़ गई है। और आज तो मौसम भी साफ हो गया है, हल्की सी धूप दिखने लगी है इस कोने में। और सुबह सुबह के जो नज़ारे हो रहे हैं ना आज, वो बड़े गजब के हो रहे हैं। यहाँ तो धूप भी आ गई है और इस साइड को अभी नीचे आई है, ऊपर भी हल्की हल्की धूप से चमक रहे हैं पर्वत यहाँ पे, और कोहरा जा ही रहा है ऊपर को, और नीचे गाँव के खूबसूरत नज़ारे हो रहे हैं। और अंदर किचन के हाल ये हैं, ये इसने पता नहीं क्या खाया सुबह सुबह, दूध पिया है तो लगा ही है। चल जय जय गुनु जय दुया दुन, दोनों हाथ से हाँ सर भी रखो जय। और श्रीमती जी यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोलती, गाय है हमारी, गाय मन्नू है और श्रीमती जी कभी कभी, नहीं तो बाद में तो बहुत ज़्यादा। साली साहिबा को हो रही है ठंड तो आग सेक रही है, अम्मा को भी ठंडी हो रही है, हल्की हल्की ठंड हो रही है, और ठंड इसको बिल्कुल नहीं होती है ठंड गुनीली को। जय मेल चा यहाँ सा अब मेरे को भी बोल लिया ना, जा बोल अपने काम में, क्या है बोल घर पे जा जा। तो अभी दोस्तों मैं भी तैयार हो गया हूँ, तो अब चलते हैं दुकान की तरफ को ब्रंडी कोट पहन के। बर्फ पड़ी है ना, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इसकी वजह से इतना बड़ा निकालना पड़ रहा है। ये कंबल है पूरा कोट, तो सुबह शाम पहनते हैं। गुन्नु के पापा भी तैयार हो गए बोल ब्रंडी कोट। चलो चले हम भी अपने नमक रोटी के इंतजाम में दुकान की तरफ को। चल चले मितवा दूर से कहीं, हमसे ढेर न हो जा कहीं, ऐसा गाना नहीं आता है ना, तो इंसान को सिंगर बनना चाहिए, जब नहीं आता है तो सीखना चाहिए, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा, मेरे को भी बस गाने याद नहीं होते हैं। क्या जबरदस्त। अभी दोस्तों दुकान में पहुंच गया हूं, और दुकान में पहुंचते ही एक दुखद घटना सुनने को आ गई है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे जो कि अब नहीं रहे, आज उनके अंतिम संस्कार में जाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में अभी दुकान के काम करते हैं, फिर थोड़ी देर में वहां जाएंगे लकड़ी देने के लिए घाट हो यात्रा में। अगर उनके बच्चे आज पहुंच जाएंगे तो आज ही 12 बजे तक उनका अंतिम संस्कार होगा, और आज नहीं पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद कल होगा। तो देखते हैं अभी आगे को क्या क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल अपनी दुकान खोलते हैं जो भी है, और जो जो खबर मिलेगी गांव से फिर चलते रहेंगे उस हिसाब से। तो एक्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, और बागेश्वर भी जाना है, श्रीमती जी भी जा रही थी बागेश्वर, तो देखते हैं क्या क्या होता है। और आज मार्केट में एक चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, जो 10,000 रुपये से मैं आज ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 10,000 से, और ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में मैं आज ट्रेड करूँगा 10,000 से। तो देखते हैं उस हिसाब से भी कैसे खबर मिलती है, उस हिसाब से पैसे लगाएंगे।
हिसाब से ट्रीट करते हैं। अभी तो फिलहाल काम करते हैं। तो अभी स्कूल के बच्चों का टाइम भी हो गया है, स्कूल के बच्चे भी स्कूल को जाने लग गए हैं और मैं भी अपनी ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फंड ऐड कर रहा था, रियल मनी से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मेरे को, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गई है, यू कैन ट्रांसफर फंड यूजिंग UPI आफ्टर प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है मेरे को, ऐड नहीं हो पा रहा है इससे। तो हम ट्राई करते रहते हैं और जब तक ऐड नहीं होता है तब तक ट्रेडिंग करते रहते हैं। हो सकता है इसलिए भी ऐड ना हो रहा हो कि मैं आज नुकसान करने वाला हूँ, इस तरीके का मार्केट नहीं देखा हो। तो कोशिश करते हैं अभी मार्केट को सीखने की, और वंस सीख जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले। अभी आ गया है कॉल घर से खाना खाने के लिए, तो चलते हैं सीधे घर को, खाना खा के आता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। और वहाँ भी नहीं है अभी, उनके बच्चे नहीं आए हैं जो मुझे एक्सपायर हुए हैं, तो देखते हैं कब तक न्यूज आती है, क्या क्या होता है। अभी तो यहीं पे है, तो फिलहाल खाना खा के आता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं भी पहुंच गया हूं घर पे, और रास्ते में मेरे को मिल गया गोंद। ये है बकरियों के खाने के लिए सबसे बेस्ट, बकरी बहुत लाइक करते हैं इसको। तो दो टहनियाँ मिली तो लेके आ गया हूं अपने बकरियों के लिए। हेलो, और यहां पे साली साइफा का फोन आ गया है और गुनली भी आने को इधर को। हाँ आ रही, ये नीचे से यहाँ से नहीं आ पाती ना, यहाँ से आती है। जय 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 जय। चलो तीन बार हो गया, चलो चलो आज तीन दिन बाद धूप लगी है, और ये भी बोला मेरे को खोलो करके। और यहाँ पे श्रीमती जी मक्खन निकालने में लगे हैं, सुबह में दूध अभी मक्खन, आराम से। हाँ जी, कितना होना फिर आज? और गुन्नु भी बोल रही मेरे को दे ये। हाथ में लगा के मुंह में लगा रही है, कैसे करती है? आ जा गुन्नु, ए आ आ आ आ। क्या कौन सा फिर तुम कर आल दान है बजा रहे हैं। तुम हना कहीं भी बना कहीं भी इन डॉक्टर का फोन ऐसे में कह रहे हो। चल ठीक हुआ। वो कौन सी दो और तीन बजे मतलब लंच करने जो ला और ये पेंडिया भी बाद में आएगा। ठीक। आई को अम्मा को। डॉक्टर। और मम्मी का फोन आ रखा है, गुन्नू बात कर रही है अभी है। हेलो। अम्मा का। डॉक्टर। और पता नहीं क्या बोल रही अपने भाषा में। अम्मा। आई। अम्मा का दे। क्या करना अम्मा? अम्मा। अम्मा का दे फोन कान में लगा रही, बाँ 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 पता नहीं क्या क्या बोल रही। चलो अभी खाने की तैयारी भी होगी है, खाना खा लेते हैं। चलो तो दोस्तों अभी खाना हाना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर, क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा ना दो चार दिन से, तो उसको तोड़ना है, तो इसलिए बागेश्वर जा रहे हैं। और मैं तो तैयार हो गई हूँ, और गुन्नू के पापा यहाँ, और गुन्नू यहाँ पर मस्ती कर रही। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं और यहाँ पे वो धारा मिल गया, तो यहाँ पे पैर धो रही है। घर से नहीं धो के लाए थे ना, पहले हो रहे थे पैर, और घर से नहीं धो के लाए तो यहाँ धो रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं नान से थोड़ा आगे, और यहाँ उस साइड को धूप लगी है और यहाँ धूप चली गई है, काफी खूबसूरत। और सामने गाड़ी भी खराब, स्कूल बस यहाँ पे पता नहीं खराब हुई है क्या हुआ है, पता नहीं यहाँ पे रुकी है। और ये शाम का खूबसूरत नजारा, और ये है चचई गांव, ये सामने क्या खूबसूरत गांव दिख रहा है। तो अभी चलते हैं, दिखाओ पैर, दिखाओ अपने।
पैर साफ हो गए, ये घर से नहीं धोके लाए, यहाँ पानी में धो रहे हैं अभी, साफ हो गए। पहाड़ में ही तो खूबसूरती है। अभी हम पहुंच गए पानी सर, पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है, शादी में गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे यहाँ, तो हम भी फिर थोड़ी देर में आएंगे, तब तक हम यहाँ मार्केट में घूम लेते हैं। यहाँ पे निकाला जा रहा है श्रीमती जी का दांत, बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो बच नहीं रहे, ज़्यादा ही सड़ गए हैं, तो उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो और भी दांत खराब हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। अभी ना श्रीमती जी ने दांती उखाड़ लिया है पूरा, दर्द नहीं हो रही बल बिल्कुल, अभी एनेस्थीसिया लगाया ना, उसकी वजह से दर्द नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर में घर में होगी दर्द फिर उसका। हाँ तो एक साइड को, इस साइड का दांत निकाला है। चलिए जी, अभी तो हो गया है बागेश्वर का काम, निकाल दिया श्रीमती जी का जो भी डेंटिस्ट का था, वो भी निकाल दिया है, दांत निकाल दिया है। अब ऐसा लग रहा है अब बोल भी नहीं पा रहे, अब तो आराम से। तो भाई अब चले सीधे घर को। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं फिर घर पे, श्रीमती जी आगे पे जाने में लगी हैं, दांत में दर्द तो नहीं हो रहा आज, दांत में दर्द हो रहा बोल भी नहीं रही, मून पर रहते आज तो, दांत उखाड़ के पूरा उखाड़ लिया एक। इधर को रॉकी का डांस चला हुआ है, ये इतना भाग रहा बेचारा। अम्मा और साली साहिब भाई यहीं पे, ठंड भी हो रही है, गुनलिस हो गई है, तो भी दोस्तों एक और दिन खत्म हो चुका है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से था आज का दिन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।